पर चैनल आज हम आपको बताने वाले बेस्ट एसेसरीज फॉर GoPro Hero 9। अगर आप GoPro Hero 9 के यूजर हो, आपको भी कोई बेस्ट एसेसरीज चाहिए तो आपके लिए वीडियो है। तो मैंने अभी रिसेंटली में कुछ दिन पहले ही मैंने GoPro परचेस किया, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया होगा। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने अभी कुछ काफी एसेसरीज मंगाई नहीं थी, ना कि उसका ऊपर का कोई ग्लास ना टाइपर कुछ नहीं मंगाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा अनसेफ है कैमरा, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें मंगाई हैं। सबसे पहले मंगाया मैंने सैमसंग का 256 GB का SD कार्ड, जो कि अगर मैं 5K या 4K पे हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट करूंगा तो स्टोरेज तो जल्दी भर जाना है, इसलिए मैंने 256 GB मंगाया कि जल्दी मुझे निकालना ना पड़े SD कार्ड, और इजी टू मतलब काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप्स व्लॉग इसी में रहें, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा एक ही जगह स्टोर है, ज़्यादा इधर उधर मुझे स्पेसिंग ना करनी पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मंगाया था सैमसंग का, जो कि एक अच्छी खासी 4K के लिए कैपेबल है, अच्छा खासा मेमोरी कार्ड है, जो कि कॉस्ट अराउंड समथिंग पड़ा था मुझे 1600 रुपये का। तो उसका भी लिंक आपको अमेजोन के नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और सेकंड प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस GoPro के लिए, तो इसके अंदर इसके लेंस प्रोटेक्टर मिल जाएंगे, और इसका केस जो कि मैंने मंगाया था अमेजोन से, जो कि मुझे कॉस्ट अराउंड 500 रुपये पड़ा था, जो कि कंपनी है इनकी एंटरले, तो इसमें मिल जाएगा आपको एक केस और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं टेम्पर ग्लास, जो कि आप आगे की डिस्प्ले और बैक की डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे भी जानते हो कि हम लोग अगर मोटर व्लॉगिंग में सेटअप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स लग सकते हैं लेंस पे, या फिर क्योंकि इसके जो एसेसरीज हैं बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से मंगाया अमेजोन से। तो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे क्या प्रोडक्ट्स आने वाले, क्या बेस्ट एसेसरीज रहेंगे। तो प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर एक केस, ये है इसका केस, पूरा रबरी से, तो ये आप GoPro पे माउंट कर सकते हो, और ये इसका है कैप, और ये मिला है मुझे इसके साथ, ये इसमें सारे लेंसेज हैं, लेंस के प्रोटेक्टर के टेम्पर्ड ग्लास हैं, तो वो मैं इस पर अप्लाई करूँगा और देख लेता हूँ। तो पहले ये रहा मेरा GoPro Hero 9, जो कि मैंने साइड रख रखा है। तो सबसे मेन चीज़ भाई, लोग GoPro 9 को जब बैटरी में इन्वॉल्व ऐड करते हैं तो उनको ओपन करने में बड़ी इशू होती है, तो वो भी बता देता हूँ कि आपको कैसे नॉर्मली यूज करना। जब भी आप कैमरा रखो तो GoPro की साइड ऐसे रखना हाथ में, GoPro आपके नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्लिप दिख रही है, बस इसको थोड़ा सा जेंटली प्रेस करना है आपको। जेंटली प्रेस करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, यहाँ पे SD कार्ड दिख जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग पहले SD कार्ड लगा लेते हैं। तो ये है एक बड़ा सा अडेप्टर, जो कहते हैं SD कार्ड अडेप्टर, और ये है अपना सैमसंग का 256 GB SD कार्ड। तो इसको अपना इंसर्ट करते हैं GoPro में अपने। सैमसंग वैसे भी जानते हो आप बेस्ट स्टोरेज कार्ड्स बनाता है, SSD में बहुत अच्छा बनाता है, और खुद की पेन ड्राइव्स और बहुत अच्छी बनाता है सैमसंग। तो आपको इस तरीके से नॉर्मली इसमें इंसर्ट कर देना है, तो बस नॉर्मली इसको बंद करना है, केस को भी बंद करना बहुत ही सिंपल है, बस दो फिंगर यहाँ पर रखो नॉर्मली, ये किया बस लॉक हो गया आपका पूरा एयर टाइट, बहुत सिंपल है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर रफली तरीके से ओपन करते हैं, बट इसमें बहुत इजी है, ट्रिक है बस, तो नॉर्मल छोटी सी ट्रिक से आप कैमरा ओपन कर सकते हो। तो आप GoPro ओपन करके देखते हैं, हमने कार्ड लगा लिया है, तो सिंगल क्लिक में GoPro ऑन और रिकॉर्डिंग देखते हैं कैमरे में, बिल्कुल स्मूथ आराम से रिकॉर्ड हो रहा है। सैमसंग कार्ड को रीड कर लिया आराम से सिंगल क्लिक में, और दिखा रहा है कि 81% पे कितना चार्ज कितना रिकॉर्ड कर सकता है, आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे 81% पे ये 8 घंटा कंटिन्यू रिकॉर्ड करेगा 4K 60 FPS पे, तो बहुत बेटर है एक समझो 30 सेगमेंट में 30 के अराउंड के सेगमेंट में GoPro जो समथिंग 8 आवर्स चलेगा तो बहुत अच्छा है आपके लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए। लॉन्ग ट्रैवल में अगर टाइम लैप लगा दे तो बहुत अच्छे से टाइम लैप रिकॉर्ड होने वाला है। सो SD कार्ड लग गया, अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस पर टेम्पर्ड ग्लास, जो कि इसके आगे के लिए फ्रंट डिस्प्ले के लिए आया, और इसके ग्लास के लिए मंगाया मैंने, इसी के साथ मिल जाएगा, और इसके साथ ये मेन डिस्प्ले के लिए आया, तो पहले उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले GoPro टर्न ऑफ कर देते हैं हम लोग, और ये मिला है हमको, ये इसका लेंस का है, ये डस्ट रिमूवर, और ये है फ्रंट का टेम्पर्ड ग्लास फ्रंट डिस्प्ले का, तो इसको भी साइड रखते हैं, और इसकी बैक डिस्प्ले का ग्लास लगा देता हूँ, हो रहा ही ये लेंस का, तो ये डिस्प्ले का है, इसको छोटा सा, तो ये दोनों ग्लास साइड रखते हैं,
ये अपना अप्लाई हो गया फ्रंट डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास, तो ये आपके स्क्रैचेस से बचाएगा आपकी डिस्प्ले को, फ्रंट डिस्प्ले को। तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई ग्लास अप्लाई हुआ है। बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे लेंस पे, तो लेंस पे भी यही सेम है। बहुत आराम से ही रखना है, क्योंकि ग्लास में अगर एक बार लग गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बड़े प्यार से लगाओ। बट ग्लास लगने के बाद लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई ग्लास अप्लाई हुआ फ्रंट पे ना इस पे, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास जो इसके साथ मिला है वो भी अप्लाई कर देंगे। तो ये लग गया अपने फ्रंट डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास, जो कि बहुत ही, कोई भी एयर बबल नहीं आया मेरे इस पे डिस्प्ले पे, कोई भी एयर बबल नहीं है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया है पूरा का पूरा। तो अपना कैमरा फुल प्रोटेक्टेड हो गया। अब रही बात केस की, तो केस भी लगा के देख लेते हैं। तो केस भी एकदम फिट एंड फिनिश आया है इस पे अच्छे से, ठीक है। केस भी बहुत प्यारा ही इस पे फिट हो गया है पूरी तरीके से, और गोप्रो को एक अच्छा ड्यूरेबल बॉडी मिल गई है इसके कारण। शेक वेक अगर आपका गिरेगा तो आपको बचा लेगा, मतलब आपके डैमेज होने से बचा लेगा। तो सारी कीज़ भी चल रही हैं, सारी की सारी बटने आराम से इजी टू ऑपरेट हो रही हैं। कोई, क्योंकि रबर का केस है तो आराम से आपको बटन भी प्रेस करने में इजी है, और कैमरा क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही है। कोई टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद कैमरा क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है कि आपको लगे कि हाँ कैमरा क्वालिटी डिग्रेड होने वाली है, डाउन होने वाली, नहीं, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके शॉट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी इसको आप कैमरा सैंपल अपने देखे होंगे रिसेंटली। तो ये एक्सेसरीज रही जो मैंने GoPro 9 के लिए परचेस किए हैं अपने लिए। सो आपको भी सारे प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ इसकी तो ये रही कि आपको जब ये GoPro यूज़ नहीं करना है तो आपको इसके साथ एक अच्छा सा केस आता है। तो जब भी आप यूज़ नहीं करना है, घर पर रखना है, तो बस नॉर्मल से इसको ऐसे अप्लाई कर देना, और आपका GoPro पूरा सेफ एंड सिक्योर जहाँ पे भी आप प्लेस कर दोगे ऐसे टेबल पे रखा रहेगा पूरा का पूरा एक सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड केस के साथ। तो ये अच्छा मुझे प्लस पॉइंट फीचर दिखा है जो इसमें GoPro में आपको मिल रहा है, कि आपको एक अच्छा सा कैमरा लेंस प्रोटेक्टर मिला है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार जरूर ऑर्डर करें और सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी जल्दी अच्छी वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।